तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सी फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड स्केप करेक्टर सीक्वेंस के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको सी फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड स्केप सीक्वेंस करेक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सी फॉर्मेट स्पेसिफायर की। सी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है? हमने ये पहले यूज़ करे हैं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आपको पता नहीं होगा। उसी चीज़ को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ले जाकर, इस सी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस कर लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ वे टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन अ वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट डिस्प्लेइंग आउटपुट टू द यूजर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो कंप्यूटर को, वो कंपाइलर को ये बताते हैं कि कौन से टाइप का डेटा जो है वेरिएबल कंटेन कर रहा है। कि आप यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने यहाँ पर एक कोड ब्लॉक बनाया है जिसके अंदर मैंने एक कमांड लिखी है प्रिंट एफ, दिस इज माई मंथली सैलरी परसेंटाइल 2.4f सैलरी। ठीक है, तो अभी तक आपने जो यूज़ करे थे वो करा था परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल सी। अभी हमने यूज़ नहीं करा है अपने प्रोग्राम के अंदर परसेंटाइल एल एफ, जो कि डबल के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर बोल किसे रहा हूँ मैं, पहले उसकी बात कर लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली lecture12.c से। ये मैंने ऑलरेडी बना ली है जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और हमारा टाइम भी बचे। उसके बाद मैं आपको एक कमांड यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। पहले मैं दो वेरिएबल यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ, इंट ए एंड बी। उसी के साथ मैं एक और वेरिएबल यहाँ पर स्टोर कराता हूँ, फ्लोट सी एंड डी, और सेमी कोलन लगा देता हूँ। देन मैं प्रिंट एफ कमांड का यहाँ पर यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आपको, द सैलरी ऑफ माई दिस मंथ इज, और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ परसेंटाइल है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन भी यूज़ कर लेता हूँ। देन मैंने यहाँ पर लगाया कोमा और मैं यहाँ पर सैलरी ऐसे लिख देता हूँ, जबकि मैंने ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बनाया, मुझे पता है। तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं जिससे ये जाकर सी के अंदर स्टोर हो जाए। ओके, सो गाइज ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा पहले, ये परसेंटाइल एफ यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहते हैं, यानी कि जो भी हम नंबर यहाँ पर स्कैन है फंक्शन हम जैसे बाद में यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, तो हम इस परसेंटाइल एफ के अंदर जो भी नंबर स्टोर होगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। और यही होता है हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस तरीके से हमारे बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए यूज़ होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर परसेंटाइल एफ को फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जो मैंने अपने यहाँ पर अभी मैं दिखाऊँ, अगर मैं थ्योरी को आपको दिखाऊँ, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है परसेंटाइल 2.4f। तो मैंने ये यूज़ क्यों किया है, तो इसे अगर मैं यूज़ करके दिखाऊँ आपको, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, बट उससे पहले आप ये भी जान लो कि कितने टाइप्स के हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, यानी कितने तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है लेट्स डू अवर IDE एंड लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। बेसिकली हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े हैं वो 5 से 6 टाइप्स के होते हैं। लाइक परसेंटाइल सी यूज़ होता है करेक्टर के लिए, परसेंटाइल डी यूज़ होता है इंटीजर के लिए, परसेंटाइल एफ फ्लोट के लिए, एंड परसेंटाइल एल होता है लॉन्ग के लिए। उसी के साथ साथ दो और हैं, एक है परसेंटाइल एल एफ जो यूज़ होता है डबल के लिए, एंड एक है परसेंटाइल कैपिटल एल एफ जो यूज़ होता है लॉन्ग एंड डबल के लिए। तो ये और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो जैसे जैसे आप आगे प्रोग्राम्स बनाते जाओगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी तरीके से आपको ये समझ में आएंगे, उसी तरीके से आपका लेवल अप होता जाएगा। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हो, बट आपको आगे समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीएस कोड। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ चुका है, द सैलरी ऑफ माई दिस मंथ इज 0.0000। तो बिकॉज यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कराई है वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर इसलिए 0 आ रहा है। तो प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, बट मैं इसके अंदर जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इसे और ज़्यादा समझने के लिए फिर से चलते हैं हम एक बार और अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोल रहा है हम ये देखना चाहते हैं। ये बोल रहा है कि विल प्रिंट सैलरी विद 4 डेसिमल पॉइंट्स इन अ 2 कैरेक्टर स्पेस। तो हमने यहाँ पर देखो
परसेंटाइल के आगे टू लगाया। जब हम टू करेक्टर स्पेस चाहते हैं अपने आउटपुट में, तो हम वो डेसिमल पॉइंट से पहले जितने करेक्टर स्पेस हम जाते हैं वो नंबर हम यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेसिमल के बाद हम यहाँ पर फोर, हमने क्यों एंटर करा, बिकॉज हम फोर डेसिमल पॉइंट तक अपना जो आउटपुट है परसेंटाइल एफ जो है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, उसके अंदर हम फोर डेसिमल पॉइंट तक अपना रिजल्ट चाहते हैं एज आउटपुट लेना चाहते हैं अपनी सैलरी को, तो ये इसलिए हमने फोर करा। तो बेसिकली ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, और इसके अंदर आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो जैसे अब मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सैलरी को स्टोर करा देता हूँ, लाइक मैं फ्लोट सी इक्वल टू मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 56.987562। तो मैंने ये जो है यहाँ पर अपनी सैलरी जो है इसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दी, और ये अब उसे ही प्रिंट कराएगा। और एक बार मैं फिर से प्रोग्राम को यहाँ से रन कर देता हूँ, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे द सैलरी ऑफ माई दिस मंथ इज 56.987560। तो अभी जो सैलरी हमारी यहाँ पर प्रिंट हुई है, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हुए हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है हमारी सैलरी जो है वो प्रिंट हुई है। बट अगर आप चाहते हो इसे 3 डेसिमल पॉइंट तक प्रिंट कराओ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब ऐसा कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, इसके अंदर आ जाते हैं फिर से परसेंटाइल, और उससे पहले अगर आप चाहते हो कोई भी स्पेस लेना, करेक्टर स्पेस लेना, यानी कि आपकी सैलरी प्रिंट होने से पहले इतने वर्ड का करेक्टर स्पेस मिले, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो हम दोनों का हम एक साथ यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर एक बात का जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो जिस नंबर से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है उससे ज़्यादा नंबर ही आपको स्पेस के लिए यहाँ पर एंटर कराने हैं, अदरवाइज आपका करेक्टर स्पेस यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कि 56 था, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 60 कर देता हूँ डॉट, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सैलरी है वो 3 डेसिमल पॉइंट तक एंड यहाँ पर प्रिंट हो मेरे टर्मिनल पर। और मैंने इसे फिर से रन करा, और देखो आप यहाँ पर सैलरी जो है वो हो चुकी है 60.356.987560। और इसके अंदर मे भी हमने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है, और गड़बड़ ये करी है बस हमने कि हमने परसेंटाइल जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करा है स्टार्टिंग में। तो हमें यहाँ पर जो है परसेंटाइल यूज़ करना है स्टार्टिंग में। अगर आप स्केप करेक्टर स्केप भी यूज़ करना चाहते हो, उसी के साथ साथ आप डेसिमल पॉइंट तक अपनी मर्जी से सैलरी को प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं फिर से करता हूँ, और आप देखो इसने कितना ज़्यादा स्पेस लिया है, इसने 60 करेक्टर का यहाँ पर स्पेस ले लिया है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 56.988। यहाँ पर देखो इस टर्मिनल पर फोकस करो एक बार, तो इसने यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट तक मेरी सैलरी को प्रिंट कराया है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी सैलरी को प्रिंट करा सकते हो कैरेक्टर स्केप का यूज़ करके, एंड जितने डेसिमल पॉइंट तक आप चाहते हो प्रोग्राम के अंदर उस तरीके से करा सकते हो। तो ये था हमारा सी फॉर्मेट स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके साथ आप जितने डेसिमल पॉइंट तक अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो टर्मिनल में वो करा सकते हो, और उसी के साथ साथ आप कैरेक्टर स्केप का भी यूज़ कर सकते हो। और यही अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है स्केप सीक्वेंस इन सी, यानी कि स्केप सीक्वेंस क्या होता है। एंड स्केप सीक्वेंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इट सेल्फ व्हेन यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग लिटरल और कैरेक्टर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद बैक स्लैश, फॉर एग्जाम्पल बैक स्लैश एन रिप्रेजेंट्स न्यू लाइन। तो बेसिकली यहाँ पर स्केप सीक्वेंस हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, आपने बैक स्लैश एन तो यूज़ करा होगा। बैक स्लैश एन क्या होता है कि वो हमारी लाइन को जब हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो उसे वहीं पर डी एंड कर देता है, और जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो हमारी नेक्स्ट लाइन प्रिंट होनी होती है उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर करता है। तो बेसिकली एक न्यू लाइन करेक्टर है, आप इसे न्यू लाइन करेक्टर भी बोल सकते हो। तो उसी बैक स्लैश एन को हम यहाँ पर इस्केप सीक्वेंस बोलते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस्केप सीक्वेंस कौन से होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप एज एन एग्जाम्पल आप बैक स्लैश एन यहाँ पर बताओगे और बोलोगे कि बैक स्लैश एन जो है वो यहाँ पर एक न्यू लाइन करेक्टर है और वही इस्केप सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो अगर हम इन्हें बैक स्लैश एन को स्ट्रिंग के अंदर
लिटरल के अंदर या फिर कैरेक्टर के अंदर यूज़ करते हैं तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब आपको अगर बैकस्लैश एन को रिप्रेजेंट कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ले चलता हूँ और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइव जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। बट उससे पहले मैं इसे हटा दूंगा इस बार, ठीक है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज़ करा और उससे पहले मैं इसी लाइन को एक बार और कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। और अब मेरी जो सैलरी है ये 2 बार प्रिंट होगी मेरे टर्मिनल पे, तो अभी आप देखना। और यहाँ पर एक न्यू लाइन भी आ चुकी है, देखो द सैलरी ऑफ माई दिस मंथ इज दिस एंड द सैलरी ऑफ माई दिस मंथ इज दिस। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप प्रिंट कराना चाहते हो बैक स्लैश एन को भी एज अ आउटपुट टर्मिनल पर, तो अभी तो आप ये बोलोगे कि मैंने बोला कि बैक स्लैश एन जो है वो प्रिंट नहीं हो सकता स्ट्रिंग के अंदर, वो अपने आप को हाइड कर लेता है, रिप्रेजेंट नहीं करता। बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में बैक स्लैश एन आए और रिप्रेजेंट हो एज आउटपुट, तो आपको यहाँ पर डबल बैक स्लैश लगाने पड़ेंगे। और जैसे ही आप डबल बैक स्लैश लगाओगे और मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को फिर से एक बार और रन करता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो पहली वाली जो लाइन है उसके अंदर हमने एक बैक स्लैश एन यूज़ करा है जो कि न्यू लाइन करेक्टर है और यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरी वाली लाइन है इसके अंदर हमने द सैलरी ऑफ माई दिस मंथ इज यहाँ पर डबल बैक स्लैश लगाए हैं देन एन यूज़ करा है। तो बेसिकली हुआ क्या है ये कि यहाँ पर जब हम डबल बैक स्लैश लगाते हैं तो यहाँ पर एक बैक स्लैश एन यहाँ पर इसने प्रिंट कर लिया है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब चलते हैं हम अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो गाइस बहुत सारे स्केप सीक्वेंस होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं तो बैक स्लैश ए होता है हमारा अलार्म और बीप के लिए, बैक स्लैश बी होता है बैक स्पेस के लिए, बैक स्लैश एफ होता है फॉर्म फील्ड के लिए, बैक स्लैश एन होता है जो कि हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से अपने प्रोग्राम्स के अंदर न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश आर होता है कैरियर्स रिटर्न के लिए, बैक स्लैश टी टैब के लिए, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है ये, बैक स्लैश वी वर्टिकल टैब के लिए। डबल बैक स्लैश अगर आप लगाओगे तो वहाँ पर एक बैक स्लैश ये लगा के दे देगा आपको। तो यहाँ पर हमने डबल बैक स्लैश यूज़ कर रहे थे आप देख रहे होंगे, तो इसलिए इसने हमें यहाँ पर बैक स्लैश एन प्रिंट करके दिया हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो यही रीज़न है। एंड बैक स्लैश सिंगल कोट होता है, एक बैक स्लैश डबल कोट होता है, बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश ट्रिपल एन होता है जो कि ऑक्टल नंबर होता है, बैक स्लैश एक्स एच एच हेक्साडेसिमल नंबर के लिए यूज़ होता है एंड बैक स्लैश जीरो होता है नल के लिए। तो इसके अंदर कुछ स्केप सीक्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इन्हें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप अपने प्रोग्राम में जब यूज़ करोगे तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक घुस जाएंगे। सो गाइज हम इन स्केप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, आज के कॉन्सेप्ट में बस यही थे आपके सी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड स्केप सीक्वेंस एंड स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे सोर्स कोड सारे सारा नोट्स मटेरियल आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो और अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। एंड गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगाओ, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।